अब उड़ान के दौरान यात्रियों को वाईफाई की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को इसकी इजाजत दे दी है। भारत में संचालित उड़ानों में यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। विस्तारा के सीईओ लेस्ली थंग ने एवरेट में पहली बार बोइंग 7879 विमान की डिलीवरी के मौके पर कहा था कि ये भारत में उड़ान के दौरान वाईफाई उपलब्ध कराने वाला पहला विमान होगा। विमानन क्षेत्र में यात्रियों को एक और नई सुविधा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, यानी यात्री फ्लाइट में फेसबुक, ट्विटर जैसी तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सभी विमानन कंपनियां यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध करा सकती है। इससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। उड़ानों के दौरान अगर आपका लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ई रीडर या कोई अन्य उपकरण फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पर होगा तो पायलट विमान में सवार यात्रियों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इससे एयरप्लेन उड़ान में पायलट को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक तरफ जहां हवाई यात्रा शुरू करने से पहले ही फोन को एयरप्लेन मोड में रखने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट में वाईफाई का इस्तेमाल घातक नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एयरप्लेन मोड और इस मोड से फोन में क्या बदलाव होते हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि उड़ान भरने के दौरान हवाई जहाज के संकेत आपके डिवाइस को बाधित ना करें। विमान के कॉकपिट उपकरणों के संचालन में सिग्नल और सेंसर्स की अहम भूमिका होती है। उड़ान के दौरान नेविगेशन संतुलन के अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाए रखने में भी इनका इस्तेमाल होता है। मोबाइल के अलावा आईपॉड, लैपटॉप, डीवीडी, हस्तचालित गेमिंग कंसोल जैसे गैजेट्स में भी रेडियो वेव्स का उपयोग होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी में आपसी टकराव होने पर सिग्नल और रीडिंग्स में गड़बड़ी हो सकती है। यात्रियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से फ्लाइट रिकॉर्डर, कंपास जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आप किसी जरूरी मीटिंग या कॉल में हैं और आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। हालांकि एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद भी आप अपने स्मार्टफोन पर लोकल एप्लीकेशन, वीडियो, म्यूजिक और अन्य चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डिवाइस में आप वाईफाई और ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि उड़ान में लोग अक्सर एयरलाइनों द्वारा अपने यात्रियों के लिए प्रदान की जाने वाली वाईफाई का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि एयरप्लेन मोड ऑन करने पर वाईफाई भी काम करता है। इसका बड़ा फायदा है कि फोन नेटवर्क जाने से आपके पास कोई मैसेज या कॉल नहीं आएगा, लेकिन वाईफाई की मदद से इंटरनेट चल सकता है, यानी एप्स का यूज, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य इंटरनेट से जुड़े काम कर सकते हैं। यही नहीं, एयरप्लेन मोड ऑन करने से फोन को फास्ट चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा एयरप्लेन मोड को खास तौर से प्लेन में ट्रैवल करने के लिए बनाया गया है। आप जब भी प्लेन में जाते हैं तब एयरप्लेन मोड को हमेशा ऑन कर लेना चाहिए। दरअसल प्लेन में नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं और फोन लगातार नेटवर्क सर्च करता है, जिसके चलते बैटरी तेजी से गर्म होती है और उसके ब्लास्ट होने की संभावना भी बन जाती है। ऐसे में एयरप्लेन मोड को हमेशा ऑन करना चाहिए। अमर उजाला.com